दरियो के कैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, कुछ इल्जाम सही भी थे, हमने सही सच्चे जवाब, मैंने तो सच्चे जवाब दिए। नहीं सच्चे जवाब दिए। मजा आया। अच्छा, अब जो है ना, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने, क्योंकि हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। ये है सर उड़ता तीर, मैं उड़ा के पहले आपकी तरफ फेंक रहा हूँ और आपसे शुरू करते हैं। जिंदगी मैंने उड़ता तीर ही उड़ता तीर जो है साथ लेके जाऊंगी। आज सच हो गया ये। हाँ बिल्कुल, आज सच हो गई बात, सर कैच कीजिए। ये शुरू करते हैं। किस कप्तान की कप्तानी में आप दिल पे पत्थर रख के खेलते थे? मोइन खान, शाहिद आफरीदी, वकार यूनुस। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। एग्जैक्टली। अगर आप 2011 सेमीफाइनल इंडिया के खिलाफ खेलते तो मैच का रिजल्ट क्या होता? पाकिस्तान जीत जाता, मैच टाई हो जाता, या वही रिजल्ट होता जो पहले था? वही होता। यार बड़ा दुख है उस चीज का मुझे, और मैं समझता हूँ कि खिलाना चाहिए था मुझे, और शायद बाकी अल्लाह की मर्जी, हम भी आपको देखना चाहते, और शायद हम ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते। मुझे ये था कि पाकिस्तान का तराना बजना चाहिए बॉम्बे में, और झंडा पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। क्या ये बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बजाए भाई इस पे बजाए। आप रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, इसके बाद पाकिस्तान आपके बगैर सेमीफाइनल खेला। आपको ड्रॉप करने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? शाहिद आफरीदी कप्तान, वकार यूनुस कोच, या आप खुद उसके जिम्मेदार? कमरान अकमल। दो कैच में छोड़ता, मैंने काम ही मरवा दिया था, मेरे करियर का आखिरी मैच हो गया। कामी भाई बेचारे। इनमें से किस बैट्समैन को इंजर्ड करके आपको खुशी हुई थी? ब्रायन लारा, गैरी क्रिस्टन, जैक कैलस। खुशी कभी कभी मार के बॉल खुशी नहीं, कभी होता कभी नहीं हुआ। तो बहुत जोर की लगती है भाई, जाहिर मतलब बहुत जोर की लगती है, ऐसे ईंटों से भरा हुआ ट्रक ना आपको लगता है, जैसे ऐसा फील होता है। अगर आपको दोबारा से करियर स्टार्ट करने का मौका मिले तो क्या नहीं करेंगे? डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, वेट गेन नहीं करेंगे, या ज्यादा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे? नहीं, वही करूंगा जो किया मैंने। Why would I change this? अगर एक चीज चेंज करता कि अगर मुझे ये 98 में ना खिलाते, 94 में खिला देते, 5 साल थे बगैर कैमरों के, हो रहा था, हाय हाय 5 साल में मिल जाते, तब बोर्डो से धुआं निकल रहा था, 99 में बोर्डे खत्म हो गए थे। It was naked. I was naked in 97. मेरे गोड़े गिट्टे बिल्कुल फारग हो गए। और 5 साल मिल जाते ना, तो शायद things would have been different. सर, आपको अगर पाकिस्तान से फिल्म की ऑफर हो तो किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे? मायरा खान, माया अली, या सनम बलोच? मेरा दूसरा प्यार सनम बलोच होगा, और जिससे शादी करूंगा फिल्म में। ये शरीफ टाइप हो रहा था ना, ये वेट करेगी, ये एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरी मोहब्बत छा जाएगी। मतलब आप सीधा मेरा नाम ले लें अगर लेना चाहें। सनम बलोच मैंने कहा ना, तो सनम बलोच होगी। और दूसरा प्यार क्यों बोला? नहीं, म्यूजिक बजाएं सनम बलोच, बस म्यूजिक बजाएं। क्या आप लोग खामोश बैठे, जोर से म्यूजिक बजाएं। सनम बलोच होगी। आई थिंक मैं विशा। I think she's stunning. She's a very good actress. दूसरा प्यार मैं, तीसरा प्यार मैं विश। ठीक। Oh good यार। बहुत अच्छा खेला आपने। आप ये एरो पास कर दीजिए अपनी साथी फनकारा की तरफ। चलिए, सच सच बोलना। हाँ, बिल्कुल सच। जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। सनम बलोच अगर सनम बलोच ना होती तो क्या होती? सनम सिंधी, सनम हैदराबादी, सनम DHA? सनम हैदराबादी। सनम हैदराबादी। अगर शोबिज इंडस्ट्री में से किसी को इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आपके ख्याल में इनमें से कौन होगा? शाइस्ता, निदा यासिर, या माया खान? अच्छा, इनमें से कौन है जिसके साथ आप काम करने की ख्वाहिशमंद है? अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास, शहरयार मुनव्वर? आप मेरा नाम ले सकते हैं। अच्छा, मैं यासिर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ऑनेस्टली। और नहीं, यासिर मैंने आपका प्ले देखा था और मैं आज तक मुझे प्ले याद है, और मैं बाकी यासिर की फैन हूँ, और यासिर के साथ काम करते हुए मुझे डर लगेगा कि यार इसके साथ ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शहरयार मुनव्वर आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा आपका जवाब है। आपकी जिंदगी पर अगर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल इनमें से क्या होगा? मन चले दुश्मन जले, रोशन सितारा दिल है हमारा, खैरपुर की रानी। खैरपुर की रानी, सिंध की रानी, सिंध की रानी, एंड हाँ ये सही है।
सकती हूँ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त, तो गिफ्ट मुझे मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लंबे जवाब दिए, मैंने छोटे जवाब दिए, मैंने तमीजें नहीं बांधी। जीता कौन है? नहीं, इसमें कोई जीता हारता नहीं, लेकिन मेरा एक वैसे एक सवाल है, इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिरी, वो सवाल ये है जो मेरा अपना सवाल है कि अगर आपको इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए, आप क्या दो चीजें चेंज करेंगे? पहली दो चीजें, पहले मैं 400 बंदा निकाल दूंगा, सबको निकाल दूंगा, 400 बंदा निकाल दूंगा, ओके, खर्चे कम करूंगा, ठीक है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितनी अकेडमीज बननी है, दूसरा काम सब तोड़वा के उसको बैंक्वेट हॉल्स या मॉल्स में तब्दील करके रेवेन्यू जनरेट करूंगा, कि डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान क्रिकेट की दूसरे मुल्कों पे वो खत्म हो जाए। आई वांट हिम इन सियासत, आई वांट दिस पर्सन इन सियासत, कसम से मेरा भी यही कहना है। अब तुम्हें तीन ऑप्शंस को निकाल दे, शोएब अख्तर को वोट दो, शोएब अख्तर को वोट दो। अच्छा, एक मग पे थोड़ी जगह छोड़नी, आपने भी उसी पे करना है, यानी कि दोनों मग्स पे आप दोनों के साइन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे